हुजूर वो जो हाजिरियाँ होती हैं आजकल, कहते जी गौस पाक की हाजिरी हुई है और दाता साहब की हाजिरी हुई है, मीरा की हाजिरी हुई है, और ये ज़्यादातर हाजिरियाँ औरतों को ही हैं, और ये बातें सामने रखते हैं कि जो अल्लाह वाले हैं वो हर जगह आ सकते हैं जा सकते हैं, और फिर वो सवाल जवाब होते हैं, फिर वो पूछा जाता है कि वो कब मरेगी, कब जिंदा होगी, कब शादी होगी, इस्तखारे होते हैं, तो ये क्या अल्लाह वाले होते हैं क्या गौस पाक को इतना फुर्सत है कि वो? अच्छा, ज़्यादातर ये औरतों पर हाजिरी होती है, तो हाजिरी की हकीकत क्या है? शैतान, हाजिरी की हकीकत शैतान है कि शयातीन होते हैं, जिन्नात होते हैं ये, और इनको क्योंकि यानी मजमा जमाने में ना लुत्फ आता है इनको, और इंसानों को गुमराह करना इनके तो पेशा, कुछ भी बोल देंगे, अच्छा कुछ बातें अच्छी भी बोलेंगे, नमाज पढ़ा करो, ये किया करो, फलाना किया करो, कोई क्योंकि कुछ बातें ये हमारी छुपी छुपी बातें जिन्नात के लिए खुली होती हैं, उनके लिए छुपी हुई बातें बहुत सारी बातें गैब नहीं होती, यानी वो इंसान के जो इंसान का हमजाद होता है वो इंसान के सीने में वसवसा पैदा कर सकता है, यानी वो हमारे ख्यालात पढ़ सकता है, उसको अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली हुई है ताकि हमारी आजमाइश पूरी पूरी हो जाए। तो हमारे दिल की बात उसके लिए गैब नहीं है, खन्नास के लिए, हमजाद के लिए, तो वो छुपी बातें बता देगा, ये सोच रहा तेरे बारे में, ये कर रहा। अब लोग बोलते हैं अरे बाबा देखो ये तो सीधी बात बता रहा, क्या ज़बरदस्त है ये, तो ये वाकई हुजूर गौस पाक है, माज़ाल्लाह माज़ाल्लाह। अरबी भी बोलता है, अरबी बोले, फारसी बोले, इंग्लिश बोले, जो मर्जी बोले, जिन्हें कोई तो ज़बान होगी उसकी, पढ़ा लिखा हो तो अरबी बोल रहा होगा, हो सकता है किसी मदरसे में जाके पढ़ गया, कुंभकत मारा, या वो यानी अरब का कोई जिन हो, अरब का जिन हो, तो ये जिन्नात के वो होते हैं मामला, तो ये बिल्कुल शैतानी मामला, शैतानी मामला। तो ये गौस पाक की हाजिरी नहीं होती, ये बेअदबी तो नहीं कहलाएगी? ये बेअदबी ही कहलाएगी, जहर सी बात है, उनका नाम ले रहे हैं, ऐसी बातें उनसे मंसूब कर रहे हैं, बेपर्दा औरत पर। अच्छा, रूह किसी दूसरे जिस्म में नहीं जा सकती, ये अकीदा रखना गुमराही है। अच्छा। कि एक की रूह दूसरे के जिस्म में चली जाए, गुमराही है, आवागमन का ये मामला है, करीब कुफर या कुफर भी है हल्के, कि एक की रूह दूसरे के जिस्म में चली गई, नहीं ऐसा, हमारे इस्लाम की तालीमात इससे बिल्कुल अलग है, एक शख्स की रूह को दूसरे के जिस्म में कभी नहीं डाला जा सकता। हज थो तक खुदा दी बादशाही, हज थो तक खुदा दी बादशाही, है ओथो तीक तेरा नाम नामी।